डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे इस क्वेश्चन में रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग ए और बी पे सुबह ऑनलाइन क्लास में चर्चा किए थे। एक क्वेश्चन इस तरह का लेना था, सी क्वेश्चन 0.235 बार, मतलब इसमें 2 बिना रिपीटिंग फॉर्म में है और 3.5 रिपीटिंग फॉर्म में है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हट के हो गया, इन दोनों से अलग टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें अलग क्या है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें ऐसा है जो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है और 3.5 इसमें रिपीटिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका सलूशन थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो में समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सी क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप, लेट x इक्वल टू 0.235 बार, हम लोग पहले तो x मानते ही हैं हर क्वेश्चन में। इसके बाद इसको एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.235 है ना। क्लियरली यहाँ पे देखो, दो टू क्या है, रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है, सिंगल डिजिट है, 3.5 रिपीटिंग फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें नॉन रिपीटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 2 को इधर ले जाएंगे, पॉइंट के इधर, 2 मीन्स जो नॉन रिपीटिंग है उसको हमको हटाना है ना, पॉइंट के राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे इसको। तो सिंगल डिजिट है 2, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो 10 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, है ना। देखो जब इसको 10 से इंटू करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा 10 के कारण, तो ये हो जाएगा 2.3535 एंड सो ऑन, है ना, या 2.35 बार। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग रिपीटिंग डिजिट्स को भी लेफ्ट में ले जाते हैं, ये रूल होता है, जैसे पिछले ए और बी में कर रहे थे। तो यहाँ पे 3.5 दो बार, दो डिजिट रिपीटिंग फॉर्म में है, तो अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना, क्योंकि दो डिजिट रिपीट कर रहा है। तो अब देखो इसमें 10 × 100, 10x तो पहले से ही था, 100 से अपने से फिर से इंटू कर रहे हैं अगेन, तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 100 × 2.35 बार, और जब 100 से इंटू करेंगे इसमें तो क्या होगा, 3.5 इधर आ जाएगा, दो डिजिट, 2 0 है इसमें, तो 3.5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 235.35 बार। लेट इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सब्ट्रैक्टिंग वाला समझ में आता है, इसलिए इस बार हम लोग सब्ट्रैक्टिंग वाला ही कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इस इक्वेशन को 2 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। देखो ये 100 × 10 1000 हो गया यहाँ पे, है ना, तो 1000x माइनस 10x, इसके लेफ्ट में 1000x है और इसके यहाँ पे इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है, 10, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। ये इसका RHS माइनस फर्स्ट इक्वेशन का RHS, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3535 बार कट जाता है। देखिए यहाँ पे अलग से रफ में कर रहे हैं इसको, 235.35 बार माइनस 2.35 बार, तो 35 बार दोनों में से कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 − 2 = 3, तो ये कितना हो गया, 233, और इधर हो जाएगा 990x इक्वल टू इतना, और x इक्वल टू 233/990। तो इस क्वेश्चन में नया आपको ये याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग दोनों आता है, तो दोनों को एक एक करके पॉइंट के हमको लेफ्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे 2 को पहले इधर कर दिए हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर 35, एक पेयर हमको रिपीटिंग वाले को ले ही जाना होता है ना, तो 35 को इधर ले जाने के लिए अब इस बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये ए बी सी तीन क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इसको आप लोग दूसरे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना देख के, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में रेशनलाइजेशन का थोड़ा सा ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोई बच्चा रेशनलाइजेशन में बोला है।